हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एमएस एक्सेल में कैसे मार्कशीट, एवरेज, परसेंटेज ये सब किया जाता है। तो पहले आप लोग जान लो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एमएस एक्सेल इसका फाउंडर कौन है। तो इसका फाउंडर और कोई नहीं, हमारा बिल गेट्स है, डॉली की टापरी के पास जो चाय किया था। अब देखो, एमएस एक्सेल इधर बहुत सारा ऑप्शन, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो पहले आप लोगों को सीखना पड़ेगा किसको क्या बोला जाता है। ओके, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर रो और कॉलम्स होता है, इसको रो बोला जाता है, इसको कॉलम्स बोला जाता है। ओके, तो देखिए, पहले मार्कशीट तैयार करने के लिए पहले आप लोगों को इधर एसएल नंबर लिखना पड़ेगा। सी प्रेस करके एसएल, उसके बाद नंबर हुआ, उसके बाद इधर नेम जिसका नाम लिखा जाएगा, देखो इसके बाद इधर सब्जेक्ट, ओके, इसके बाद इधर सब्जेक्ट, मतलब आप इधर सब्जेक्ट ना करके ये भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सब्जेक्ट का नेम ही लिख देता हूँ। ओके, इसके बाद SCIENC, बहुत सारा ट्रिक सिखाएंगे आप। तीन सब्जेक्ट लेंगे, ओके, उससे ज्यादा वो भी ले लेंगे। ओके, इंग्लिश लेता हूँ, मैं खुद इंग्लिश के टीचर हूँ, इंग्लिश। उसके बाद और एक क्या लिया जा सकता है, जियोग्राफी, जियो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ओके, अब टोटल लिखते हैं, टोटल, TOTAL, टोटल। उसके बाद देखो, हम टोटल के बाद एवरेज लिखेंगे। ओके, और मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ओके, देखो घर छोटा हो रहा है तब ऊपर जाना। ओके, एक कर्सर का थोड़ा ये होगा, इसको बढ़ाना होता है, ऐसे बढ़ा देते हैं। ओके, इसके बाद देखो इधर नेम निकलना पड़ेगा, नेम कुछ भी लिख दो, मैं पहले मेरा नेम लिखता हूँ, उसके बाद मेरा भाई का नाम लिख देता हूँ। ओके, उसके बाद विराट कोहली, विराट पांड्या। ओके, 1 2 3 4, और एक बंदा किसका होता है, एमएस धोनी, कॉम्प्लीट। देखो हुआ, अभी एक गलती मैंने किया कि एसएल नंबर के जगह में मैं नेम लिख दिया, तो मैं इसको कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, ऐसे सिलेक्ट किया। ओके, इसके बाद कट, कट करके इधर आके पेस्ट, क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब देखो आप लोग अगर एक, उसके बाद दो, ऐसे लिख के टाइप टाइप करोगे ना, तो इंटरव्यू जो आपका लेगा ना, उसको पता चल रहा है आपको कुछ पता नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले इन दोनों को सिलेक्ट किए करो। ओके, सिलेक्ट करने के बाद इधर आके देखो, ऐसे तुम बढ़ा सकते हो। ओके, ऐसे तुम बढ़ा सकते हो, और ए वाला टेस्ट स्टेप को फिर से बैक करने के लिए ऊपर, ये देखो बैक ऑप्शन में आओ, फिर से धोनी तक, मतलब इसको बोलता है स्मार्ट वर्क। ओके, हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क करो। उसके बाद नंबर तुम जितना बैठा सकोगे बैठा दो। ओके, डोजिट का लेता हूँ, कुछ भी बैठा दो, कुछ भी। आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि कैसे क्या रूल्स फॉलो किया जा सकता है। ओके, इधर एक डिजिट ज्यादा हो गया था, फिर से एक डिजिट ज्यादा। ओके, देखो ये हुआ, ये थोड़ा कम हो गया। हाँ चलो, अब टोटल, टोटल कैसे निकाला जा सकता है। टोटल निकालने के लिए आप लोगों को पहले इधर आना पड़ेगा, इज इक्वल टू लिखना होगा। ओके, इज इक्वल टू, उसके बाद लिखना होगा सम, SUM। ओके, सम लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर देना, उसके बाद जो जो नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा वो चारों नंबर को सिलेक्ट करना होगा। ओके, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में एंटर, हो गया। अब सारे घर के सम कैसे निकाला जा सकता है, ऐसे हो गया, नो प्रॉब्लम।
अब देखो एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज करने के लिए इज इक्वल टू ए वी ई आर ए जी ई। ओके, एवरेज लिखने के बाद फिर से फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, उसके बाद 1 2 3 4। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट शिफ्ट प्रेस करके करना। ओके, क्लोज, लास्ट में एंटर। हो गया एवरेज। एवरेज मतलब 100 में कितना, तो लास्ट में निकल गया। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे, मतलब इससे इसको इंटर इसको इससे इंटू कैसे किया जा सकता है, आप लोगों को वो अगर जानना है तो लास्ट तक देखते रहियो। देखो मल्टीप्लीकेशन जब करना होता है ना, तभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले ही इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन मल्टीनोमिनल उसके बाद 1 2। देखो ऐसा कर सकते हो और ऐसा अगर ना करोगे फिर भी हो सकता है। देखो कैसे, ये देखो इज इक्वल टू साइन दिया, उसके बाद एक, इसके बाद एक इंटू साइन। इंटू साइन कहाँ रहता है कीबोर्ड में, 8 के ऊपर रहता है, इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इसके बाद एंटर। हाँ एक गलती किया था, वो इधर है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। मतलब आप लोग ऐसे ही यूज करके कर सकते हो। क्या अभी ए वाला नहीं दिखाएंगे, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोगों अगर मार्कशीट तो बनाना आ गया, एवरेज टोटल सब कुछ आ गया। ओके ठीक है, आप लोगों को मैं अगर बोलूं कि कोई एक बंदे का नेम स्पेसिफिकली मेरे को दिखाओ, आप कैसे दिखाओगे, जरूर दिखाना पड़ेगा आप लोग, आपको भी। देखो तब होम में आओ, होम में आने के बाद एसएल नंबर को सिलेक्ट करना। ओके, एसएल नंबर को सिलेक्ट करने के बाद फिर से होम में जाओ, उसके बाद फिल्टर में जाओ। फिल्टर में जाने के बाद देखो नेम, मैं खुद का दिखाना चाहता हूँ, तो देखो मेरा खुद का निकल गया। ऐसे ही फिर से बैठ जाओ, उसके बाद अगर कोई एक सब्जेक्ट, देखो समझ में आया, ओके नो प्रॉब्लम, फिर से बैक। और ए वाला फिल्टर को हटाने के लिए एडिटिंग सेक्शन में जाके फिल्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो हट जाएगा। ठीक है, देखो अभी इसके ऊपर मैं हेडिंग अगर करना चाहता हूँ ना, तो क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर ए वन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक, इधर जाके इंसर्ट। ओके, और फिर से इधर भी एक बनाना है तो इंसर्ट। ओके, देखो अब देखने में सुंदर लग रही है। अब देखो इधर क्या लिखूंगा, क्लास 12 एनुअल एग्जामिनेशन टू थाउजेंड 24। ओके, देखो क्लास 12 2024 मार्कशीट हो गया, हुआ। अब ये देखने में थोड़ा घटिया लग रहा है, मिडिल में लाना पड़ेगा। मिडिल में लाने के लिए क्या करना होता है, देखो पहले पूरा एरिया को सिलेक्ट कर लो, मतलब कहाँ से कहाँ तक है, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद होम में आके मार्जिन सेंटर में आके, देखो फिर से दिखाते, ओके होम में आओ। देखो अब कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, अब इस घर को थोड़ा बड़ा कर दो, ऐसे तुम बड़ा कर सकते हो, और भी बड़ा कर सकते हो, देखो। ओके, देखो अब ए वाला घर के कलर योलो,
इसके बाद ये जो इसको सिलेक्ट कर दो, करने के बाद होम साइज हो गया कंप्लीट। अब बॉर्डर देना होता है ना, सिलेक्ट कर लो कहाँ से कितना बॉर्डर देना है। ओके होम में आओ, इधर आ, ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, देखो हुआ बॉर्डर हो गया कंप्लीट, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। हाँ थोड़ा बैक। अब देखो इधर जो एक कैलिब्री स्टाइल, इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो अब कितना बढ़िया वाला लग रहा है ना, अभी हो गया है आपका पूरा। और एक मजेदार चीज वो है, देखो आपका जो ये मार्कशीट है, ठीक है ना मार्कशीट, तो ये वाला मार्कशीट का आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ऐसे कि आप भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो मेरे जैसा, तो क्या करना होता है देखिए। ऐसा करने के लिए आप लोगों को प्रिंट स्क्रीन नाम का वो क्लिक करना पड़ेगा, प्रिंट स्क्रीन हुआ। उसके बाद इधर आके एमएस पेंट में आना होगा, इधर आके सीटीआरएल भी, सीटीआरएल प्लस भी वना, और इधर से सेव कर लीजिए। बस ये दिखा रहा हूं कि आप लोग सीख ले कि ऐसे भी किया जा सकता है। और इधर एमएस एक्सेल कैलकुलेशन एंटर हो गया, से कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।